नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचतत्व में विलीन हुए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार, अखिलेश ने दी मुखाग्नि। मुलायम सिंह की अंतिम विदाई में सैफई में उमड़ा जन सैलाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मोदी ने राजकोट में कांग्रेस और आप पर बोला हमला, का कांग्रेस ने किसी और को दिया मुझे अपशब्द कहने का ठेका। हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस का पीएम ने किया उद्घाटन, का संकट के समय एक दूसरे की मदद करने की जरूरत। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश, सीजेआई ललित ने सरकार को भेजा अपने उत्तराधिकारी का नाम। बम्बई बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदोन्नति, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बने मुख्य न्यायाधीश। बिहार के सीताब दियारा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 15 फुट ऊंची जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का किया अनावरण। अमित शाह ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर साधा निशाना, का जेपी के शिष्यों ने त्यागी विचारधारा, कांग्रेस से मिलाया हाथ। भारत ने यूक्रेन संकट मामले में रूस को फिर दिया बड़ा झटका, राष्ट्रपति पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग को किया खारिज। भारत सहित 107 देशों ने रूस के खिलाफ यूएन में किया मतदान, रूसी प्रतिनिधि ने महासभा के अध्यक्ष पर ही उठा दिए सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के खिलाफ आरोप पत्र दायर, सीबीआई ने दर्ज किया आय से ज्यादा संपत्ति का केस। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने डी कंपनी पर की बड़ी कार्रवाई, दाऊद गैंग से जुड़े 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बीएसएफ ने गुजरात में भारतीय सीमा के पास की बड़ी कार्रवाई, घुसपैठ करते 2 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, मंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। सपा नेता स्वामी प्रसाद के निजी सचिव समेत 12 पर मुकदमा दर्ज, सभी पर हत्या की कोशिश और छेड़छाड़ का लगा आरोप। हरियाणा और पंजाब के सीएम ही करेंगे एसवाईएल मुद्दे का समाधान, 14 अक्टूबर को भगवंत मान और मनोहर लाल खट्टर की होगी बैठक। एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को फिर भेजे 3 चुनाव चिन्ह, पहली बार त्रिशूल, गदा और उगता सूरज हो गया था खारिज। चीन में ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट मिलने के बाद मचा हड़कंप, कई जगहों पर फैला संक्रमण, WHO ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की जांच करेगी सीबीआई, राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर जाहिर की अपनी मंशा। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को दिया निर्देश, का माननीयों के लंबित आपराधिक मामलों का दे ब्यौरा। जम्मू कश्मीर के शोपियां और राजौरी में एनआईए का एक्शन, आतंकवाद से संबंधित मामलों को लेकर की छापेमारी। शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार, प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद की कार्रवाई। 2025 तक 1.05 लाख करोड़ की होगी देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, इंडियन स्पेस एसोसिएशन और अर्नस्ट एंड यंग ने जारी की रिपोर्ट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस से गर्भाशय कैंसर की होगी जांच, दिल्ली एम्स में महिलाओं की स्क्रीनिंग में आएगी तेजी। तमिलनाडु के अंतियूर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, मछली पकड़ने गए 3 दोस्तों की तालाब में डूबकर हुई मौत। कमलनाथ ने अपने शासनकाल में महाकाल योजना बनाने का किया दावा, बोले 2019 में मंदिर के विकास के लिए आवंटित किए थे 300 करोड़। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के दावों को बताया गलत, बोले कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने में हासिल है महारत। दिग्विजय ने लालू को भारत जोड़ो यात्रा के लिए किया आमंत्रित, बोले कार्यक्रम में शामिल होकर विपक्षी एकता का संदेश दें आरजेडी नेता। महाराष्ट्र में ईद ए मिलाद जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे पर की कार्रवाई, अमरावती जिला पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, 7 की तलाश जारी। अमिताभ बच्चन ने 80वें जन्मदिन पर प्रशंसकों का किया अभिवादन, पीएम मोदी समेत कई नेताओं और बॉलीवुड हस्तियों ने दी शुभकामनाएं। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू होने की संभावना नहीं, सरकार ने भारतीयों को हांगकांग से यात्रा करने की दी सलाह। महाराष्ट्र के सहकारी बैंक में 6 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, खड़कपाड़ा थाना पुलिस ने 33 आरोपियों पर दर्ज किया मामला। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजा मांगेगी सरकार, UCC से संबंधित सुनवाई के दौरान केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों के साथ बिताया समय, बोले भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग से बनेगा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ह्यूस्टन में स्वागत समारोह को किया संबोधित, बोले भारत अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग की अपार संभावनाएं। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मानवीय सहायता की 13वीं खेप, आवश्यक दवाएं, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण शामिल। केरल सीएम विजयन ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की दी शुभकामनाएं, बोले सुनिश्चित किया जाए बच्चियों के लिए समान अधिकार। कांग्रेस ने की प्रवेश वर्मा और नंदकिशोर गुर्जर पर तत्काल कार्रवाई की मांग, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दोनों नेताओं पर लगाया हेट स्पीच देने का आरोप। केजरीवाल ने 50 नई लो फ्लोर CNG बसों को दिखाई हरी झंडी, बोले राष्ट्रीय राजधानी के ग्रामीण इलाकों में संपर्क में होगा सुधार। कोलकाता में हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति शांतिपूर्ण, सांप्रदायिक दंगे वाले इकबालपुर में भारी पुलिस बल की तैनात। मध्य प्रदेश में पत्नी को मारने के लिए व्यक्ति ने बिछाया बिजली का तार, लोहे के दरवाजे के संपर्क में आने से सास की गई जान।
गोड़ा में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दो समुदायों में तनाव, पुलिस ने अब तक दोनों पक्षों के करीब 25 लोगों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने कर्नाटक के मंत्री सोमशेखर को बर्खास्त करने की उठाई मांग, 12 करोड़ की रिश्वत के मामले में दर्ज हुए केस को लेकर साधा निशाना। भागलपुर में महिला से चाकू की नोक पर छीने 7 लाख के आभूषण, आज सुबह बच्चे को स्कूल पहुंचाने जा रही थी महिला। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक, दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए साफ सफाई के दिए निर्देश। बुलंदशहर के पासू में बारिश से बिजली घर में घुसा पानी, कस्बे समेत करीब 60 गांव की बिजली गुल होने से मचा हाहाकार। बुलंदशहर में बारिश से मकान की दीवार गिरने से हुए 2 हादसे, पहले हादसे में 4 साल की बच्ची और दूसरे में महिला ने तोड़ा दम। भागलपुर के पीर पैती निवासी अभय की दुबई में हुई मौत, परिजनों ने शव को भारत लाने की सरकार से लगाई गुहार। बीसीसीआई में प्रमुख पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया आज से शुरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए होंगे चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी का नाम सबसे आगे, वर्तमान सचिव जय शाह फिर दाखिल कर सकते हैं नामांकन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।